वेरी गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री श्याम। हम पढ़ रहे थे अलग अलग स्थानों पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें पाए जाने वाले अनुकूलनों के बारे में। इसी क्रम में हमने पढ़ा था ध्रुवीय भालू के बारे में, जो कि ध्रुवीय प्रदेशों पर पाए जाते हैं। इनमें कौन कौन से अनुकूलन होते हैं वो सारे हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। आज हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं उनमें जो जंतु पाए जाते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनमें क्या क्या अनुकूलन होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, वर्षावन नाम आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे बारिश होती है। बारिश होगी तो वातावरण में क्या होगी, नमी, यानी यहाँ पे नमी क्या होती है, ज़्यादा। लेकिन जलवायु कैसी होती है, जलवायु होती है गर्म। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। सबसे सर्द महीने में भी जो सामान्य तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। वर्ष भर दिन और रात की जो लंबाई है लगभग समान रहती है, कारण क्योंकि भूमध्य जो रेखा होती है उसके आसपास के क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत के पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। इसके अलावा ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका, मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। वर्षावनों में पाए जाने वाले प्रमुख जो जंतु हैं वो है बंदर, कपी, गोरेला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सांप, पक्षी, ये सारे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो अपने आप को किस तरह से अनुकूलित करते हैं और इस तरह के वातावरण में रह पाते हैं। क्योंकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है अतः उनमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है। जो इस तरह के क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो है जीव जंतुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और जंतुओं की संख्या ज़्यादा होने के कारण उनमें भोजन के लिए, स्थान के लिए आपस में कॉम्पिटिशन रहता है। इस तरह से अनेक जंतु जो होते हैं वो अपने आप को उस वातावरण में जीवित रखने के लिए अपने आप में कुछ परिवर्तन लाते हैं, उनमें परिवर्तन होता है और उन्हीं परिवर्तनों को हम कहते हैं अनुकूलन। अनेक जंतु वृक्ष पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्रों वाले मेंढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं। देखो, अगर सामान्य हम अपने चारों ओर जो मेंढक पाए जाते हैं अगर हम उनको देखें तो सामान्य ये ज़मीन पर ही रहते हैं, लेकिन जो हम बात करें उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लाल आँखों वाले मेंढक पाए जाते हैं और इनके जो पैर होते हैं उनके पैरों के तलवे चिपचिपे होते हैं। तो ये जो पैरों के तलवे जो होते हैं वो चिपचिपे होने के कारण ये बड़े बड़े पेड़ों पे आसानी से चढ़ जाते हैं। तो ये क्या है, ये इन लाल आँखों वाले मेंढक के अनुकूलन है, यानी इनकी विशेषता है कि ये आसानी से पेड़ों पे चढ़ जाते हैं और अपना भोजन लेते हैं और जो शिकार होता है उससे भी खुद को सुरक्षित करते हैं। वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की पूंछ लंबी होती है जो शाखाओं को पकड़ने में सहायता करती है। अगर हम बंदरों के अनुकूलन की बात करें तो इस एरिया के अंदर, इस क्षेत्र में जो बंदर पाए जाते हैं उनकी पूंछ ज़्यादा लंबी होती है जो कि पेड़ों को पकड़ने के लिए, शाखाओं को पकड़ने के लिए क्या करती है, आसानी से पेड़ों की शाखाओं को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। तो ये क्या है, बंदरों की विशेषताएं या इनके अनुकूलनों की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर इनमें कंपटीशन होता है। कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं और कुछ आसानी से भोजन को, कुछ भोजन के पास आसानी से पहुँच जाते हैं, कुछ आसानी से नहीं पहुँच पाते। अगर हम टुकन नामक पक्षी की लंबी और बड़ी चोंच होती है जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं में से लगे फलों पे पहुंच सकता है जो बहुत कमज़ोर होती हैं। ये जो टुकन नामक पक्षी है, हम क्या पढ़ रहे हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो होते हैं उनमें पाए जाने वाले जंतुओं के अनुकूलन। तो उनमें सबसे पहला हमने देखा कि लाल आँख वाला मेंढक होता है, उसके पैर के तलवे जो होते हैं वो चिपचिपे होते हैं जिससे वो क्या होता है, पेड़ों पर आसानी से चढ़ पाता है। दूसरा हमने देखा बंदर की पूंछ जो होती है वो लंबी होती है जिससे वो आसानी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ में आ जा सकते हैं और जो पकड़ के लिए पूंछ जो होती है वो मजबूती प्रदान करती है। ऐसे ही टुकन नामक जो पक्षी होता है, ये पक्षी क्या है, इसकी चोंच जो होती है वो बड़ी होती है और कैसी होती है, लंबी। ये शाखाओं पर, ऐसी शाखाएं जो पतली होती हैं, लचीली होती हैं, थोड़े से वजन से भी वो टूट सकती हैं, ऐसी शाखाओं पर जो फल लगे होते हैं उन फलों को ये अपनी लंबी चोंच से क्या करते हैं, उनको खा लेते हैं। यानी इनकी चोंच लंबी होती है जो आसानी से थोड़ी दूरी पर पहुंच जाती है और इन फलों को खा लेती है।
और ये जो पक्षी होता है इसका भार भी कम होता है, जिससे कि वो जो शाखा है वो इसके भार को सहन कर सके। उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं इनमें पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदन शक्ति, जो संवेदनशीलता होती है वो ज़्यादा होती है। देखने की दृष्टि में मोटी त्वचा और ऐसे रंग की त्वचा होती है जिससे वो अपने आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर छद्म आवरण करने में सहायक करते हैं और इनकी परभक्षियों से रक्षा करती है। देखो, जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो होते हैं इनमें पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं उनके सुनने की शक्ति, उनके सूंघने की शक्ति और उनमें रंग बदलने की शक्ति पाई जाती है। और ज़्यादातर जो जंतु होते हैं उनका रंग जो होता है वो आसपास के वातावरण के आसपास का जैसा ही होता है, जिससे वो आसानी से अपने शिकारी है उससे छिप सकें। उदाहरण के लिए बिलाव परिवार के जंतुओं यानी शेर और चीता में मोटी खाल होती है तथा इनमें सूंघने की जो शक्ति होती है वो बहुत ही तेज होती है। अगर हम बात करें लोयन टेल्ड लंगूर, जिसमें दाढ़ी वाला ऐप भी हम कहते हैं, पश्चिमी घाट के वर्षावनों में पाया जाता है। इसकी सबसे प्रमुख जो मेन चीज़ ये होती है कि इसमें चांदी जैसी सफ़ेद अयाल होती है जो कि सिर के चारों ओर गालों और चिबुक यानी ठोड़ी जो होती है इस तक रहती है। यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है और अपने जीवन का जो अधिकांश समय होता है वो पेड़ों पर ही ये क्या करता है, बिताता है। मुख्य रूप से ये फल खाता है, बीज, कोमल पत्तियाँ, टहनियाँ जो हैं, पुष्प हैं, कलियाँ, इनको भी खाता है। लॉयन टेल्ड लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। चूँकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं, अतः ये भूमि पे कभी कभी ही आते हैं। तो हमने बात की जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं उनमें पाए जाने वाले जंतुओं की बात की और इनमें होने वाले अनुकूलन की, यानी इन वनों में रहने वाले जो जंतु होते हैं उनमें क्या क्या अनुकूलन होते हैं जिसके कारण वो उस क्षेत्र में रह पाते हैं। तो अलग अलग जंतुओं में हमने अलग अलग अनुकूलन पढ़ा। लाल आँख का जो मेंढक है उसके पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं जिससे वो पेड़ों पर आसानी से चढ़ सकता है, अपना भोजन ढूंढ सकता है और क्या कर सकता है, शत्रुओं से खुद को बचा सकता है। इसी तरह से बंदर जो होता है उसकी पूंछ जो होती है वो लंबी होती है जो इधर से उधर उसको सहायता करती है शाखाओं को मजबूती से पकड़ने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही एक जंतु जिसको मैंने आपको बताया था, टीक नामक जो पक्षी है उसकी चोंच जो होती है लंबी होती है। और कैसी होती है इसकी चोंच जो होगी वो लंबी और नुकीली होती है, जिससे वो क्या करता है ऐसी शाखाएँ जो कि बहुत कमज़ोर होती है इन पे जो फल लगे होते हैं उनको आसानी से उन तक पहुँच के उनको खा सकता है। तो ये क्या हो गया, इसमें अनुकूलन हो गया। ऐसे ही बाघ है, शेर है, इनके सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ होती है और ये सूंघ कर अपने भोजन के पास जाते हैं और आसानी से भोजन करते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है। कुछ जंतु जो होते हैं उनका रंग उसके अपने चारों ओर के वातावरण के जैसा होता है जिसके कारण वो शत्रुओं से खुद को बचा सकते हैं। ऐसे ही अगर हम लॉयन टेल्ड लंगूर की बात करें तो ये जो लंगूर होते हैं ये ज़्यादातर अपने जीवन का ज़्यादातर समय जो होता है वो पेड़ों पर ही बिताते हैं, क्योंकि इनको पर्याप्त मात्रा में पेड़ों से भोजन मिल जाता है, इसीलिए वो ज़मीन पर भी कभी कभी ही आते हैं। तो आज का जो हमारा ये जो टॉपिक था ये कम्प्लीट हो चुका है। और आज के लिए जो आपके क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाने वाले किन्हीं 5 जंतुओं के नाम लिखिए तथा उसमें पाए जाने वाले अनुकूलन लिखिए। देखो, कोई भी 5 जंतु के नाम लिखने हैं और उनमें पाए जाने वाले अनुकूलन, जैसे लाल आँख का मेंढक है उसकी क्या अनुकूलन है, उसके पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं जिससे वो आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकता है। बंदर है, उसकी क्या विशेषता, उसकी पूंछ लंबी होती है जो पेड़ों को आसानी से पकड़ सकती है। ऐसे ही शेर है, चीता है, इनके अंदर सूंघने की शक्ति जो होती है वो क्या होती है, बहुत तेज़ होती है। ऐसे ही टुकन नामक जो पक्षी है उसकी चोंच कैसी होती है, बड़ी होती है, लंबी होती है, जो कि शाखाओं पर लगे फलों को आसानी से क्या कर सकती है, पकड़ सकती है। और कुछ जो जंतु हैं उनका जो रंग होता है वो कैसा होता है, उनमें रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी 5 जंतुओं के नाम लिखने हैं आपको और उनमें कौन कौन से अनुकूलन है वो लिखना है। ये आपको क्वेश्चन करने हैं और मुझे सेंड करना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।